मास्टरबेशन मास्टरबेशन ओह ये मास्टरबेशन मेरे को तंग करके रखा है यार। किधर भी मन नहीं लग रहा है, किसी दूसरी औरत को देखता हूँ तो गंदी फीलिंग्स आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ मैं करता हूँ कि कोई और भी करता है? यस, कोई और भी करता है। हमारी इंडिया में 70% स्टूडेंट ऐसा करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, 17 साल से लेकर 22 साल तक इसके अंदर जो भी स्टूडेंट है वो मैक्सिमम ऐसे एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि प्रोन एडिक्शन होना, रोज मास्टरबेशन करना, औरत को गंदी नज़र से देखना। ऐसे हमारा रोज एक्टिविटी हो जाता है, जैसे लंच और डिनर तरह। मास्टरबेशन एक नॉर्मल पार्टी होता है हमारा सेक्सुअल एक्सप्रेशन में, कि हमको थोड़ी खुशी मिलता है वो चीज़ करने पे, पर थोड़ी ना हम उस 2 मिनट खुशी के लिए हमारा पूरा जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ऐसा तो बहुत सारे लड़के ना आज भी ऐसे एडिक्शन से निकल नहीं पाते। दोस्तों मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ, आप सच में इस निकलना चाहते हो तो आप सही वीडियो पे एंट्री किए हो। मैं आपको ऐसे एडिक्शन से दूर करके ही रहूँगा, क्योंकि मैं उसे निकल चुका हूँ। मेरे को पता है कैसे निकलना है। उससे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल को प्रेस करके ऑल पे रख देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पे इस तरह वीडियो आते ही रहेंगे। इस एडिक्शन से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, एक चुटकी से निकल सकते हो, बस आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। आज हम ऐसे कुछ पावरफुल टिप्स बताने वाले हैं, आप एक चुटकी से निकल जाओगे, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं उससे निकल चुका हूँ। चलो सबसे पहला, अवॉइड पोर्नोग्राफी। आपको किसी तरह प्रोन एडिक्शन से दूर रहना है। शुरू से थोड़ी दिक्कत होगी, पर कुछ दिनों के बाद वो आदत में बदल जाएगी। सबसे बड़ी मिस्टेक वो प्रोन देखना ही होता है। जो आप मोबाइल से देखते हो वो रियल नहीं होता है, वो तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, पर उसको हम देखकर एक्टिव हो जाते हैं, हमारे डोपामाइन रिलीज हो जाता है। आप किसी तरह इससे दूर रहो। सेकेंड, आपको एक्टिव ही रहना अच्छे काम पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, आउटसाइड घूमने जाना, किसी तरह आप इसे निकलो। थर्ड, स्पेंड टाइम अदर्स। आपको समय बिताना है दूसरे के साथ, आप कभी अकेला मत रहो, क्योंकि जब आप अकेला रहोगे फिर पोर्न देखने का मन करेगा एंड हस्तमथन भी। आप किसी तरह अकेला मत रहो, और रहोगे तो किसी बुक पढ़ो, अच्छे अच्छे वीडियो देखो जो हमारे फ्यूचर में काम आएगा। फोर्थ, आपको किसी गोल फोकस करो, आपको फ्यूचर में क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, आप कितना दिन ऐसे टाइम वेस्ट करोगे? आपकी माता पिता कितना मेहनत करते आपको इतना बड़ा किया, कुछ कीजिए दोस्तों आपके माता पिता के लिए। दोस्तों मैं जिसे बताया ऐसे एक बार करो एंड देखो, आप जरूर उससे निकल जाओगे, क्योंकि मैं ऐसे करके निकल चुका हूँ। रियल थिंग्स शेयर कर रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो को उसको शेयर करो जो उसे एडिक्शन पे है। दुआ करता हूँ आप सभी हमेशा खुश रहो एंड कैरियर पे फोकस करो, जरूर सक्सेस मिलेगा। तब तक के लिए आपका ख्याल रखने का, जय हिंद, वंदे मातरम।